अरे जी आई एम वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड इट वाज डिलेड बट डन टुडे ओके सर हाउ प्राउड टू मुंबई इज फॉर अस सन स्ट्रीट एंड हिस्ट्री में कंसील सर्टेन थिंग्स बट ज्योग्राफी क्या वी रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आई डोंट ओके एनी विश यू लाइक Yes, Ashibab. He should enter in politics and he will be MLA and minister also. Oh.
बहुत मुबारक दिन है आपके लिए, आपके महीने में आपके अंदर आया, वहीं से आया, और जहाँ तक जो आप करते रहते हैं हमारे शहर के लिए आज वहाँ से आप और बहुत बड़ी बात है उठ बस करना रहता है। हाँ, ये है। I was so scared. I said, I don't know what to do. Thank you.
हेलो सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं बामला फाउंडेशन वली महम्मद बामला चौकाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित युवा सेना अध्यक्ष सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहेब, आदरणीय आशिष शेलार साहेब, मंत्री जयकुमार रावल साहेब, पीछे हो जाओ सब लोग, माजी राज्यपाल डीवाय पाटील साहेब, या विभागाच्या लोकप्रिय खासदार पूनम महाजन जी, मॅडम स्वप्ना मात्रे जी, सन्माननीय विवेक गोंका साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. बामला फाउंडेशन या चौकाच्या चौकाचे नावाचं नामकरण अनावरण करण्यापूर्वी नामवंत गाय प्रसिद्धीपासून दूर राहून सामाजिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील मुलांना तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील गरीब मुलांना त्यांनी नेहमी 20 वर्षापूर्वी त्यांनी बामला फाउंडेशन या संस्थेचं एक लहान स्वरूप लावलं. आज ते रूपांतर झालेलं आहे आणि बामला फाउंडेशन सबको मिळणार आहे. थोडं
भाई थोड़ा लेंथ था मत म्हणून मी आज त्यांचा चौकात लेंथ लेंथ उद्घाटन करण्यासाठी जमलेला मान्यवरांचं आगे लोगे तो आएगा ही ना तो पीछे रखोगे तो नहीं वीर जवानांनी देशाच्या रक्षणासाठी आपलं सर्वोच्च बलिदान दिलं त्यांची त्यांना स्मरण करण्यासाठी आपण आहोत त्या जागेवरती एक मिनिटासाठी मौन व्रत धारण करून श्रद्धांजली अर्पूया त्यानंतर या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया दादा 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 अरे कहाँ आ गए आप कहाँ आ गए देखो यहाँ बैठे हुए भाई पीछे रहो दबाओ मत सर्व मान्यवरांनी समोरच्या बंगल्यामध्ये एक छोटस कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे मान्यवरांना विनंती करतो की बांगला फाउंडेशन या संस्थेच्या नामवरण सलकाचं ही उद्घाटन आपण करणार आहोत. राज्याचे पर्यटन मंत्री बामला फाउंडेशन या संस्थेच्या आता पीछे हो जा सबको मिलेगा पीछे आ जाओ किसन पीछे साहेबांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे त्यांच्याही बामला फाउंडेशनच्या वतीने मी स्वागत करीत आहे. अच्छा या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की समोरच्या बंगल्यामध्ये आम्ही एक छोटे गाणे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आदिल आदिल तिथे उपस्थित पाहुण्याने स्थानापन्न व्हायचं आहे. आदिल आया विनंती करतो की त्याने आपले मनोगत जस्ट 10 इयर्स डिफरेंस डोंट यूज इट अदरवाइज नाही नाही मी इकडेच आहे नाही मी इकडेच आहे मी चाललात आसिफ जी मला वाटतं तुम्ही आज ह्या आमच्या हस्ते सगळ्यांनी चौकाचं उद्घाटन केलेलं आहे. भामला फाउंडेशन आपल्या वडिलांनी सुरू केलं अर्थात तेव्हा जे एक छोटंसं रोपटं होतं आज त्यांनी सांगितलं जसं एक वृक्ष झालेलं आहे. मला वाटतं जे तिथून आशीर्वाद देत असतील त्यांना पण आनंद होत असेल की आज ह्या चौकाचं नाव तर त्यांच्या नावानी आहेच पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज या भामला फाउंडेशनची ओळख ही तुमच्यामुळे देशभरात वाढते ह्यांचा त्यांना मला वाटतं अभिमान असेल. आज तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना बोलवलं खूप खूप धन्यवाद आभार मानतो आपले आणि आपल्याला शुभेच्छा देतो असंच चांगलं काम करत राहा. जे काही काम आपण करत राहाल एन्व्हायरमेंटचं असेल चौकाचं असेल आम्ही सगळे तुमच्या सोबत राहू आणि चांगलं काम मुंबईत करत राहू देशात करत राहू. धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र वंदे मातरम. आय विल रिक्वेस्ट 2 मिनिट के अंतर आहे 2 मिनिट.
इसके बाद यहाँ अंदर ही अंदर अंदर यार। सबसे पहले तो फुलवाना के हमारे जवानों की शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में बड़ी प्रसन्नता का समय है। भामला फाउंडेशन के जो बीज वली मोहम्मद साहब ने बोए थे उनसे एक पौधा उभर के आज एक बहुत बड़ा झाड़ बना है और फाउंडेशन ने अपने पर फैलाकर समाज सेवा का काम किया है। देश में यूं तो हजारों राजनेता हैं मगर समाज सेवा खरे मतलब में जो करता है उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। मैं फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम करके आज हम सबको बुलाया और समाज सेवा कंटिन्यू की। थैंक यू। कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें याद दिलाने के लिए खास बनाई गई हैं। एक नाम जो पिछले एक सदी से हमारे बीच शरद उगाड़े जी, शैरल जी, ऑल द पीपल हु आर कमिंग, हार्टली वेलकम फ्रॉम द भामला फाउंडेशन। थोड़ा चेज और ले आइए आप, चेज। और सभी यहाँ पर जितने मेहमान हैं प्लीज वो बैठ जाएं, सारे लोग प्लीज बैठ जाएं। पार्थ पवार साहब, दोस्तों अभी आपने देखा कि भामला फाउंडेशन का चौक का अनावरण यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ। मकसद यही था कि एक शख्सियत जो बांद्रा में पिछले कई सालों से अपनी जिंदगी ना कि सिर्फ समाज के लिए बल्कि हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के साथ साथ अपना स्वयं कार्य करना, लोगों की भलाई करना, वो शख्स जो हमेशा सालों साल करते आया है और एक पूरे परिवार को अपने साथ, समाज के साथ और अन्य समाज के साथ लेते रहते, आज वो एक नाम, सुनहरा नाम बन चुका है, वली मोहम्मद भामला जी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न जाने कितने काम ऐसे किए कि जो हम लोगों को पता नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे थे पर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तो उनके जो काम हम लोगों को पता चले कि वसई में जो उन्होंने मदरसा कायम किया, आज जो पेनीक्रॉस मस्जिद की लाइब्रेरी और उनमें उसको भी बनाने का उनको बहुत बड़ा हाथ था। मकसद उनका यही था कि अपनी ज़िंदगी खुद के जीने के साथ साथ लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी जो चाह थी और वही जज्बा आज पूरे भामला परिवार के अंदर दिखता है। वली मोहम्मद भामला के सारे साहबजादे, चाहे वो मोहम्मद अली भामला जी हों, अशरफ अली भामला जी हों, उसको आगे तक लेके जाने की जो चाह आसिफ भाई ने हमेशा दिखाई है, एक लगाव जो लोगों के लिए रहा है, अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के जीवन को कैसे और प्रभाव करना, उनके जीवन में कैसी रोशनी लाना, अब समाज में कैसी रोशनी लाना, उसका काम सही करने की मिसाल अगर कोई नहीं जाती तो वो आसिफ भामला साहब हमारे बड़े उसकी मिसाल है कि उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम, अपने पूरे खानदान के नाम को आज यहाँ पर इस मौके तक लेकर आ गया कि आज ये सारी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच मौजूद है और भामला फाउंडेशन एक ऐसा बड़ा नाम बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में कि उनके काम की वजह से, भामला फाउंडेशन के सारे कार्य की वजह से आज लोग हम लोगों को जानते हैं, उनके काम को पहचानते हैं। इसकी शुरुआत जनाब वली मोहम्मद भामला जी साहब ने की थी और मैं चाहूँगा आसिफ भामला जी यहाँ पर आए और अपने इस चीज़ को इन्होंने कैसे आगे रखे और लोगों में विचार रखें। वहीं पे वहीं बैठ के, अरे कहाँ यार, यहाँ लाइट नहीं है। मंच पर उपस्थित हमारे हरदिल अजीज, इस हल्के के तमाम नेतागण, हमारे खासदार आदरणीय पूनम महाजन जी, हमारे टूरिज्म मंत्री जयकुमार रावल जी, खासदार मजीद मेमन जी, आशीष शेलार जी, प्रताप सरनायक जी, हरीश सनस जी, यहाँ पर उपस्थित नगर सेविका सचिन भाव तो चुप के बैठे, सॉरी, हमारे मुंबई के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सचिन भाव अहिर जी, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इन सब का स्वागत करें आप। जैसे कि आप लोग जानते हो आज का दिन हमारे और हमारे परिवार के लिए एक बहुत अहम दिन है, एक खास दिन है। मेरे पिता श्री मरहूम वली मोहम्मद साहब के नाम पे आज ये चौक का निवारण और उद्घाटन हुआ है। आज उनको उनकी 90th बर्थ एनिवर्सरी का ये सप्ताह है और मुझे बड़े खुशी से ये कहना पड़ता है कि ये यहाँ पर मौजूद हर शख्स
जय कुमार जी प्लीज, मिस्टर जयराज ठक्कर जी प्लीज कम आइए, सुनील जी, जयराज ठक्कर जी लगवर्ती बस जस्ट कम। और मुझे खुशी है कि आज इतने सारे लोग और हर शख्स जो यहाँ है उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में कोई ना कोई काम में कोई ना कोई सामाजिक स्तर पर हमारे संग बहुत ही करीबी स्तर पर जुड़ा है। मुझे बहुत खुशी एक बात की है कि हमारे बीच आदरणीय डीवाई पाटिल साहब, उन्होंने चौक का निवारण किया इस उम्र में भी। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद के चौक का ये विषय है तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर शरीक होऊंगा। आसिफ जी मेरे पिता समान रहे, बचपन हमारा उन्हें देखते हुए गुजरा और उनके चलते आज आदित्य ठाकरे जी और तमाम लोग जो यहाँ शरीक हुए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार कर रहा हूँ। जहाँ तक कि मेरे वालिद की बात आती है, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, महराज ने ऑलरेडी जिक्र किया उसका। उन्होंने अपना काम वसई जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से मदरसे से शुरू किया जहाँ पर दीनी तालीम दी जाए, कुरान हाफिज बने जाए लोग, और वहाँ से सिर्फ दीन के साथ साथ दुनियाई काम भी सीखे। इसलिए वहाँ पर कंप्यूटर का इजाद आज से मुझे लग रहा है 19 साल बाद, जब लोग सिर्फ कंप्यूटर देखने की इरादा रखते थे उस समय पे वो सहूलियतें मुहैया की है उन्होंने। और उसके बाद पेरी क्रॉस रोड की जो मस्जिद बनी उसमें उनकी जी तोड़ मेहनत थी। यहाँ एतराफ़ में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी, उसमें भी जो हमारे ऑर्फिन बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत थी तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी तकसीम की यतीम बच्चों के लिए। और हर साल रमज़ान के महीने में हो आपके हज बैतुल्ला पे कुछ लोगों को भेजने की बात हो, तो इस किस्म के कामों से आज मेरा सौभाग्य है कि उनकी प्रेरणा के चलते हम यहाँ आप लोगों के बीच आए। मैं थोड़ा सा आज थोड़ा सा हिला हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ क्योंकि वालिद की याद आ रही, मुझे लग रहा है यही कहीं है वो, और हम सबको दुआएं दे रहे हैं तमाम लोग जो आज एक संडे का दिन होने के बावजूद भी हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ शरीक हुए। उन्हीं की एक संकल्पना थी पर्यावरण के विषय को लेके, जिसको लेके हमारी हमने काम आगे बढ़ाया। और मुझे याद है आज से 11 साल पहले जब कोई पर्यावरण की बात नहीं करता था, स्वच्छता की बात नहीं होती थी, तब हमने ये जागतिक पर्यावरण दिवस के दिन हमने अपना एक खूबसूरत प्रोग्राम लेने का इरादा किया 11 साल पहले। यहाँ मौजूद सारे लोग इसके गवाह, सचिन बाबू अहिर जी स्वयं तब मंत्री थे, आपको याद होगा आपके पर्यावरण मंत्री थे और तब उस जमाने में ये हुआ। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ चाहूँगा कि चार लोगों का नाम लिया जाए जिन्होंने इस चौक को बनाने में, क्योंकि ये संकल्पना मेरी नहीं थी, यहाँ के स्थानिक चुने हुए हमारे विधायक हो हमारे खासदार हो इनकी थी कि भाई आपके वालिद ने इतना काम किया और वो सारा काम जो है आगे प्रेरणा देने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा जो आप चाहें, और मुझे याद है आज भी आशीष शेलार जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें। उन्होंने कहा कि आसिफ जी ये मेरी चाहत है और ये मेरा इरादा है, आप में मुझे मदद करिए इस काम में। तो इस यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर अलका केलकर जी ने इसको महानगर पालिका में पास कराने के लिए बड़ी मेहनत की। आसिफ जकरिया यहाँ के स्थानिक नगर सेवक पत्नी शायद आए नहीं आए, तो उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई एक स्थानिक नगर सेवक होने के चलते। और साथ में हमारे यहाँ के स्थानीय वार्ड ऑफिसर आदरणीय शरद उगाड़े जी, मैं चाहूँगा इन चारों के लिए पुरखलूस तालियां हो। और तहे दिल से मैं आप लोगों को दिल से बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ख्याल किया मेरे वालिद को, आज जो इज्जत आपने बख्शी वो बड़े सिंप्लिसिटी में और पुरखलूस और बेलोस इंसान थे, उन्हें ये सब ज़्यादा शोर शराबे से हमेशा से दूर रहे, पता नहीं शायद होते तो हमें इसकी इजाज़त भी नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमको और ख़ास इन चार लोगों को मुझे यकीन है और अकीदा है कि उनकी दुआएं उन्हें ज़रूर वाबस्ता होगी आज के इस मुकद्दस दिन पर। और इसी तरीके से पर्यावरण का जो उन्होंने काम शुरू किया हम कोशिश कर रहे हैं आगे लेते हुए जाने के लिए, चाहे वो पर्यावरण दिवस के माध्यम से हो। अमय प्रभु प्लीज कम इन फ्रंट, आई एम सॉरी आई एम जस्ट सी ओके
सो पर्यावरण के संदर्भ में हो और स्वच्छता के संदर्भ में हो, बायोगैस प्लांट निर्माण के संदर्भ में हो, एलईडी लाइट्स के संदर्भ में हो, कंपोस्टिंग ऑफ गार्बेज के संदर्भ में, और प्लास्टिक पोल्यूशन जो हमारा सबसे बड़ा कैंपेन रहा, पूनम जी जानती है, आदित्य जी भी उसमें बड़ा रोल अदा किए थे, और आशीष जी सचिन भाव, इन्होंने जो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन का हमारा जो कैंपेन था उसको इतनी मान्यता मिली कि 5 जून को आदरणीय पंत प्रधान जी ने उसका निवारण दिल्ली में किया और हम लोगों ने यहाँ किया था। उसमें आदित्य जी, सचिन भाव, अन्य लोग, हमारे जय कुमार जी, मजीद भाई सारे उपस्थित थे, और वो प्रोग्राम को इतनी प्रसिद्धि मिली कि यूनाइटेड नेशन ने उसको सराहा और यूनाइटेड नेशन में हमें चैंपियंस ग्रीन क्रुसेड अवार्ड मिला। तो ये सारी संकल्पना साधना हमारे वालिद साहब मरहूम वली मोहम्मद साहब की दी हुई है। उस लायक हम है या नहीं पता नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो रास्ता उन्होंने चुना और जो रास्ता उन्होंने हमें बताया उस पर हम चल सकें, और आप लोगों के साथ की प्यार की इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ सारे परिवार के लोग हैं, हमने कोई मीडिया वगैरह भी नहीं बुलाया ज़्यादा, यहाँ सारे एक घरगुती प्रोग्राम है हमारा जो बहुत छोटे स्तर पे हमने करना चाहा, क्योंकि वैसे भी वालिद को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था ये तमाम चीज़ें, लेकिन ये 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 प्रपोजल आशीष जी का, अलका जी का, हमारे वार्ड ऑफिसर का, इस प्रस्ताव का था, तो इसको मान्य देते हुए आज ये चौक यहाँ जाहिर हुआ, उसका उद्घाटन आप तमाम लोगों की उपस्थिति में हुआ, ऐसा मैं यहाँ कहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जय जय हिंद। जी आसिफ, जैसे आपने कहा कि जैसे वालिद साहब आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद पूनम महाजन जी, स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऐसे हमारे सम्मान्य जय कुमार रावल साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सचिन भाई ओहिर, एडवोकेट माजिद मेमन साहब, वो भी हमारे बांद्रा के ही है, आमदार प्रताप सरनाई मंच पर उपस्थित, हरीश सनस जी, जयराज ठक्कर जी, नगर सेविका अलका किरकर, स्वप्ना मात्रे, और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे सम्माननीय अतिथि है। मैं देख रहा हूँ कि हमें सुरेश प्रभु भी यहाँ पर है, गोयल साहब भी यहाँ पर है, हमारे वार्ड ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर शरद उगाड़े जी है, मिसेस आनंदनी ठाकुर है, विवेक गोयंका जी है, शेरल है, यूसुफ भाई है, बहुत सारे लोगों के नाम मैं ले सकता हूँ, हमारे जहीर काजी साहब है, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, अभी मनु दादलानी साहब भी आ गए। वैसे तो आज का दिन हमने यहां पर अपनी संवेदना को प्रदर्शित किया, जो घटना 14 तारीख को हुई उस घटना का रोष और उसको लेकर हमारे सबकी उन परिवारों के लिए संवेदना यह हमने यहाँ पर व्यक्त की, और आगे चलकर भी जब भी जैसे भी ज़रूरत उन परिवारों को लगेगी वो हम सब लोग मिलकर करेंगे, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध भी हैं। आज ये भामला फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है, और आसिफ भाई के वालिद साहब हम ऐसा मानते हैं कि आसिफ भाई आप कौन से दल में हैं, कौन से पार्टी में हैं वो मायने नहीं रखता, मायने तो ये रखता है कि हम सब लोग बांद्रा के रहवासी हैं, और इसके लिए बांद्रा में हम सब लोग रहने वाले लोग, बांद्रा में रहने वाले हर परिवार को अपना परिवार पूनम जी मानकर चलते हैं, और इसके लिए जिस प्रकार का काम इनके वालिद साहब ने किया है, मैं तो उनको मिला भी हूँ, और उन्होंने जो सोच रखी उस सोच को आगे बढ़ाने का काम यासिफ भाई आपने किया है। एक ऐसे सामान्य परिवार से आने के बाद भी तकरीबन ये देखा जाता है कि हम सब लोग अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो ठीक भी होता है, लेकिन ऐसे सामान्य परिवार से आने के बाद भी मेरे परिवार से ज़्यादा मेरे शहर के बारे में, मेरे गांव के बारे में, मेरे देश के बारे में मैं सोचूंगा, ये सोच कर काम करने वाली उस पीढ़ी के आपके वालिद साहब थे, और उनकी ये सोच रही कि आसिफ भाई ने भी राजनीति छोड़कर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर जनता के लिए, आवाम के लिए, पर्यावरण के लिए काम करते रहे, और उसका ही परिणाम हम देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी कैंपेन्स
आज भामला फाउंडेशन की तरफ से आगे बढ़ी है, और जहां पर स्पष्ट भी करना चाहिए कि सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं और सिर्फ देश में भी नहीं, अभी अगर मैं गलत ना हूं तो यूनो तक भामला फाउंडेशन का नाम यूनो तक पहुंच गया। और मुझे लगता है ऐसी सोच, ऐसी सीख, ऐसी तालीम जिस परिवार में जिस व्यक्ति ने दी, उस व्यक्ति का नाम बांद्रा के कोई ना कोई चौक पर होना चाहिए। ये बात, ये सोच हमारे मन में आई, और मैं आसिफ भाई आपका धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने उसको कंसेंट किया। हमारी कॉरपोरेटर अलकाताई, स्वप्ना, आसिफ जकारिया, इन सभी ने उसके लिए बहुत परिश्रम भी किए, उन्होंने उसके लिए अपना समय दिया। वाड़े साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने भी इसके लिए बहुत समय दिया, बहुत बारीकी से उस काम को किया, और आज यहाँ पर इस चौक का उद्घाटन हो रहा है। और अपने आप में ये प्रोग्राम भी बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि कौन नहीं है यहाँ पर? राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष है, तो बीजेपी का अध्यक्ष भी है, तो शिवसेना के, हमारे युवा सेना के अध्यक्ष भी यहाँ पर थे, माजिद भाई भी है। आजकल माजिद भाई की बातें बहुत टीवी पे जोरदार चल रही है, और इसके लिए माजिद भाई भी दिल्ली से यहाँ पर आ चुके हैं, और हमारी पूनम जी विशेष रूप से दिल्ली से इस प्रोग्राम में आई है, कि उनका बहुत बारीकी से ध्यान बांद्रा और बांद्रा इलाके में होने वाले कामों के ऊपर रहता है। मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि जहीर गाजी साहब जब आज सुबह वो 145 ईयर्स की बात पेपर में पढ़ी, तो पूनम जी का पहला मुझे फ़ोन आया कि हम दोनों को उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहिए। आप तो खुद ब खुद यहाँ पर आए, लेकिन इस बात को भी ख्याल पूनम जी यहाँ पर रखती है, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम सब लोग इस इलाके के लोगों को सेवक इस नाते काम करने का प्रयास करते हैं। आसिफ भाई, आपको और भामला फाउंडेशन को बहुत सारी शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अली भामला जी, अशरफ अली भामला जी, शोएब भामला जी, मुदस्सर भाम, जहाँ भी जो कुछ अपने भामला परिवार के जितने मेंबर्स हैं। तब तक मैं चाहूँगा सही मायने में पर्यावरण के काम को शुरू करने में अगर हम लोगों को जिसने सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और चाह हमारे अंदर जड़ाई और उनको अच्छी राह दी, ऐसे हमारे भाऊ सचिन अहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाऊ फॉर गाइडिंग अस ऑल द वे टू द भामला फाउंडेशन। और मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार रखें, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए सचिन भाऊ जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पूनम महाजन जी, माजिद मेमन जी, हमारे मित्र आशीष शेलार जी, और विशेष तौर के ऊपर महाराष्ट्र शासन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे हमारे नौजवान टूरिज्म मिनिस्टर जय कुमार रावल जी, हमारे दूसरे नौजवान साथी आमदार प्रताप सरनाइक जी, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, सभी कॉरपोरेटर, सभी सिने कलाकार, और जिन्होंने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया, ऐसे आदरणीय आसिफ भामला जी, उपस्थित भाइयों बहनों, दोस्तों और साथियों, इसका जिक्र आशीष जी ने किया, मुझे इस बात की खुशी है कि वली भामला जी जहाँ पे भी होंगे उनको इस बात का बहुत ही फख्र होगा कि मैंने एक ऐसा लड़का पैदा किया कि जिसने पूरी जीवन एक समाज को देने का काम किया, और इसलिए हैट्स टू यू आसिफ। और जिसका उल्लेख मीराज जी ने किया कि हमने पहली शुरुआत की 11 साल पहले, मैं राज्य का पर्यावरण मंत्री होता था, और हमने ये भूमिका ली कि सिर्फ राज्य सरकार ये काम करके पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तक के राज्य सरकार के हाथ एनजीओज नहीं बनेंगे तब तक के जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। और मुझे इस बात का फख्र है कि एक नींव जिसको हमने डालने का काम भामला फाउंडेशन के माध्यम से किया, आज एक पेड़ बोलकर यहाँ पूरे इलाके में नहीं तो पूरे विश्व में आज इस फाउंडेशन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और ये भी बात सही है जिसका उल्लेख आशीष जी ने किया कि वैसे तो आसिफ भामला जी पार्टी में जरूर है लेकिन कलाकार भी है, और कलाकार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें ये कला है कि हम सबको साथ में रखने के लिए, और अगर ये साथ और एक संग अगर नहीं हुआ होता तो शायद ये फाउंडेशन और जो संकल्प उन्होंने लिया था और जो विचारधारा से जो आज तक के वो काम कर रहे हैं वो शायद पूरा नहीं हो पाता। और मेरी ऐसी अपील रहेगी कि जिस ये व्यासपीठ ऐसा जिस तरह से यहाँ पे निर्माण हुआ, अगर हर शहर में, हर इलाके में ऐसे ही सब पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर हम ऐसे एनजीओस के पीछे अगर रहे तो मुंबई शहर एक बेहतरीन शहर और भारत देश एक बेहतरीन देश जो आज है उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। शुक्रिया आशीष जी। मैं चाहूँगा मोहम्मद अली भामला जी प्लीज़ आएँ और हमारे एडवोकेट माजिद जी को बुके देकर इनका इस्तकबाल करें, साथ ही साथ शोएब भामला, मोहम्मद अली भामला जी, वली मोहम्मद भामला जी के
आसिफ मामला जी के बड़े भाई, जय कुमार रावल जी का स्वागत, शोएब बामला स्वागत करेंगे, और शहर बामला का मैं चाहूंगा कि वो पूनम महाजन जी का स्वागत करें, क्योंकि मुझे पता है कि शहर की अगर कोई शहर बामला जी पूनम महाजन जी का स्वागत करते हैं। प्रताप सरनायक जी का स्वागत शहर बामला जी करेंगे, सचिन अहिर जी का स्वागत मुदस्सिर शोएब बामला आप लोग करें, आइए आबिदा आपा अब मैं आमिता आपा जहाँ भी है बाहर है, चलिए ठीक है ठीक। और हमारी दोनों नगर सेविका अलका केरकर जहीर काजी जी और हमारे शरद उगाड़े जी, अगर प्लीज आप दो मिनट आगे आ जाए, मुझे पता है आपका स्पेशल सबका आसिफ बामला जी पॉज करना चाहेंगे। आसिफ भाई शरद उगाड़े जी का मेरे ख्याल से सत्कार आपको, जोरदार तालियां स्वागत कीजिए हमारे असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, बहुत ही अजीज जिन्होंने पूरी मेहनत से पूरे श्रम से इस चौक को आज अंजाम लाने का काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया शरद उगाड़े जी फॉर ऑल द हार्ड वर्क। मैं चाहूंगा कि माजिद मेमन जी अपने ख्याल रखें, साथ बैठे सभी महानुभाव राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता, बांद्रा के लगभग सभी रंग के सभी हलके से सभी समाज सेवकों की आज ये झुमरट में देख रहा हूँ कहकशा के तौर पर, आप सबको मेरा आदाब नमस्कार। 72 घंटे भी नहीं हुए हैं पुलवामा की ट्रेजेडी को, दुख से ये दिल भर आया है, अश्क काफी नहीं है, देश में सभी राजनेताओं ने मिलकर कल ये तय किया है कि हमें अपने राजनीतिक मतभेद सब भावों को अलग रखते हुए इकट्ठा खड़े होना है और देश की हिफाजत के लिए देश की प्रगति के लिए हम सब अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उसी की एक छोटी सी मिसाल आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी को राजनेता के हैसियत से हम सुबह शाम टिप्पणी करते हैं, मगर देखिए कितना आसिफ भामला का कमाल है कि मेरे दोनों तरफ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के MLA और MP मेरे साथ बैठे हैं और इतने प्यार और स्नेह के साथ हम एक साथ मिलकर ये उत्साह अटेंड करते हैं। वली मोहम्मद चौक भामला फाउंडेशन को मुबारक हो, वली मोहम्मद जी ने एक अच्छी नीयत से कुछ सोच के साथ एक बीज बोया था और वही बीज पौधा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ हुआ और अब फैलते हुए एक घनी छाया जिसकी UN तक चली गई है ये भामला फाउंडेशन की। इसके लिए मैं वली मोहम्मद जी के जितने भी वारिस हैं, उनके जितने लोग हैं फैमिली के, आसिफ भामला तो खैर हमारे घर का बच्चा है, जितने लोग हैं इन सब लोगों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। देखिए राजनेता सैकड़ों हैं मगर समाज सेवक 100 में एक होता है और वो समाज सेवक की कदर करनी चाहिए क्योंकि राजनेता का भी धर्म असल में समाज सेवा है, मगर वो बहक जाता है राजनीति के अंदर और अपनी राजनीति को प्राथमिकता देता है और समाज सेवा को पीछे छोड़ देता है। मगर ये आसिफ भामला और ये भामला फाउंडेशन जिस तरह से 365 दिन साल के लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, हमने देखा एनवायरमेंट की लड़ाई, कोस्टल रोड के बारे में, सफाई के बारे में, बांद्रा के हमारे हल्के की सफाई उसको इम्प्रूव करना, कोई भी मसला हो भामला फाउंडेशन हमेशा आगे आगे रहा है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरे आसपास बैठे हुए जितने राजनीतिक नेता हैं चाहे किसी भी दल के क्यों ना हो, वो सब कांधे से कांधा मिलाकर भामला फाउंडेशन के साथ चलते हैं। और सचिन जी ने जैसा कहा कि सबसे बड़ा आभार हम फाउंडेशन का ये मानेंगे कि वो हम सबको एक डोर में जोड़ता है जिससे बांद्रा की प्रगति में कोई तरह की कठिनाई नहीं रहेगी। हम सब बांद्रा के लिए भामला फाउंडेशन के लिए जिस किस्म की मदद, जिस किस्म की खिदमत, जिस किस्म के काम की जरूरत होगी 2400 घंटे तैयार हैं। एक टेलीफोन अवे आप आसिफ को फोन कर दीजिए, हम में से कोई भी एक घंटे के अंदर आ सकता है। ये मैं समझता हूँ बांद्रा के लिए खुशकिस्मती है और इस खूबसूरत चौक को आज सजाया गया है और इस चौक के लिए मेरी शुभकामनाएं
और आसिफ और भामला फाउंडेशन के लिए मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह अच्छे काम करते रहिए। जो काम आप करते हैं वो शायद कोई राजनेता ना कर पाए, इसलिए आपको हजारों लोगों की दुआएं मिलती है, हजारों लोगों का साथ है और ये साथ आने वाले दिनों में और बढ़े। जिस तरह से आप यूएन गए हैं, सारे देश में आप फैले, इन दुआओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये सब कुछ मुमकिन नहीं है जब तक आप जैसे बुजुर्गों का हमारा हम पर दुआएं नहीं रहे। थैंक यू माजिद, मैं चाहूँगा आसिफ आमला जी, विवेक गोयका जी का पूरे स्वागत कीजिए और डॉक्टर जहीर काजी जी का भी स्वागत आसिफ आमला जी अपने हाथों से करें। अब मैं चाहूँगा हमारे बीच राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करना चाहूँगा भामला फाउंडेशन की तरफ से। आसिफ आमला जी, राकेश ओम प्रकाश और यूसुफ लकड़ा वाला जी का भी मैं बहुत बहुत आप प्लीज आ गए यूसुफ भाई। और अकबर खान साहब जो पीछे बैठे हुए हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, अकबर साहब खान साहब का भी स्वागत और जयराज ठक्कर जी का भी और मिस्टर विजय का भी स्वागत आसिफ आमला जी करेंगे। जयराज ठक्कर जी, सुजय जयराज ठक्कर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस ऑल द टाइम। हरीश शरद जी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, हरीश शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। मिस्टर विजय फ्रॉम रावण केबिन का भी स्वागत आसिफ आमला जी करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच अपने विचार रखने के लिए मैं जय कुमार रावल जी का स्वागत करना, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जय कुमार रावल जी। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए यहाँ के यशस्वी सांसद पूनम ताई, हमेशा से मुंबई और बांद्रा के बारे में मुद्दों पे अपनी बात रखने के लिए और उनके काम करने के लिए कोशिश करने वाले यहाँ के विधायक, लोकप्रिय विधायक आशीष जी, पार्टी चाहे कुछ भी हो, सब लोग मिलके महाराष्ट्र के लिए काम करते हैं। जिन्होंने, आप सब बांद्रा की बात कर रहे हो, जिन्होंने वर्ली में काम किया, वर्ली के लिए हमेशा काम करते रहते हमारे सचिन भाव, इसी प्रकार ठाणे में भी जिनका अच्छा काम होता है, सब अच्छे बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो जिनका ठाणे में अच्छा काम है हमारे सरनाइक जी, हमारे बुजुर्ग और मार्गदर्शक माननीय माजिद मेमन जी, यहाँ पे अकबर जी, हमारे गोयंका जी, डॉक्टर काजी जी, बाकी लोगों के नाम मुझे सबसे परिचय नहीं, सभी महानुभव महत्वपूर्ण लोग, भाइयों और बहनों, आज आप सबके माध्यम से विशेषतः हमारे नगर सेविका केलकर ताई और सपना ताई, इनके माध्यम से और इनके कोशिश से समाज के जो अच्छे लोग हैं उनका नाम चौक को देना चाहिए, उसके माध्यम से उनकी अच्छाइयाँ हमेशा जीवित रहती है। ऐसे ही इस क्षेत्र में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता वली मोहम्मद जी के नाम से ये चौक का नामकरण हुआ है, इसीलिए मैं आप सबको विशेषतः बामला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मित्र आसिफ भाई से हमारी मुलाकात ये 2-3 सालों में हुई, पर्यटन और पर्यावरण इनका एक अटूट नाता है। जहाँ भी पर्यटन होता है वहाँ पर्यटन वहाँ पर्यावरण की समस्या कुछ दिनों में तैयार होती है। आने वाला पर्यटक हमारे वहाँ आता है, घूमता है, आते वक्त खाली हाथ आता है, जेब में पैसे लेके आता है और जाते वक्त खूब सारी प्लास्टिक की सिम्बा के चिप से लेके और कोई चिप से लेके बोतलें तक फेंक के चले जाता है और फिर दूसरे दिन वो पर्यटन की जगह को पर्यावरण की तरह स्वच्छ करने के लिए हमारी कोशिश लग जाती है। और वैसे ही कार्यक्रमों के बीच हमें आसिफ भाई और उनके बामला फाउंडेशन से परिचय हुआ और उन्हें हमने दरख्वास्त की कि आप लोग आके हमसे हमारे साथ काम करो। जैसे हमारे सचिन भाव बता रहे थे कि सरकार अकेला कोई काम नहीं कर सकता और सरकार के लिए समाज के सभी वर्ग जब तक जुड़ेंगे तभी काम हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब का ये जो कहना है कि जन भागीदारी से ही देश आगे बढ़ सकता है और जन भागीदारी हमें हर चीज़ में चाहिए। आज बामला परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि वली मोहम्मद जी ने जो काम शुरुआत की थी वो काम अपने उनके होनहार बेटे आसिफ भाई ने आगे बढ़ाया। अब मेरे ख्याल से
वली मोहम्मद जी ऊपर से हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आसिफ ये मुकाम तक पहुंच सकेगा, शायद उनके अंदाज से भी ज़्यादा आगे हमारे आसिफ भाई बढ़े। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि परसों की जो पुलवामा की घटना हुई उसके बाद एक हमने देखा कि देश का हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति देश के लिए खड़ा हो, और देश में ही हम लोग चाहे कितनी भी चर्चा करें, आपस में हमारे कितने भी मतभेद हो, जब विषय देश का आता है तो हम लोग सब लोग एक होते हैं। ये हमने पूरे विश्व को और पूरी दुनिया को बताया। आने वाले समय में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के स्कोप के बाहर है, समाज के एनजीओ से हमें आशा है कि वो लोग ये काम करें, और हम लोग चाहते हैं कि बांद्रा की तरह ही सब जगह काम होते रहो। बांद्रा में सभी तरीके के सभी लोग रहते हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है। हमें भी हमारे वर्ली में भी वर्ली फेस्ट जो होता है वो भी बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम होते रहता है, और सचिन भाव के माध्यम से वो काम होते रहता है। हम सब लोग मिलके अपने देश के लिए हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आसिफ भाई को यही बताऊंगा कि राजनीति में कभी कभी हमारे स्टैंड होते हैं, हमारे आइडियोलॉजी होते हैं, लेकिन आपके माध्यम से आप सबको एक करने की कोशिश करते हो। आपने सभी लोगों को एक साथ लाया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, भामलिया फाउंडेशन का अभिनंदन करता हूँ, और ये काम अभी रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका नाम बहुत देर से था, आसिफ जकरिया साहब हमारे भी जा चुके। मैं चाहूँगा आसिफ बामला जी, आसिफ जकरिया जी का स्वागत करें। अब हमारे बीच जैसे आप देख रहे हैं काफी सारे मेहमान आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारी खासदार, जिनके मार्गदर्शन से भामला फाउंडेशन हमेशा से चलता रहा है, हम सबकी बहुत ही लाडली चाहिए थी, पूनम महाजन जी। मैं कह रही हूँ फारूक भाई को बुके देने के लिए, मैं आसिफ भामला जी को कहती हूँ कि आप उनका स्वागत करें। आपका काम आधा मैंने कर दिया। मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के विधायक श्री आशीष शेलार जी, हमारे मंत्री, पर्यटन मंत्री, और मेरे साथ युवा मोर्चा में भी जिन्होंने काम किया और हर वक्त मुझे समर्थन दिया, ऐसे जय कुमार रावल जी, एनसीपी के एमपी राज्यसभा आदरणीय माजिद मेनन जी, हमारे शिवसेना से एमएलए प्रताप सरनाईक जी, एनसीपी के मुंबई के अध्यक्ष सचिन आहिर जी, आसिफ भामला जी एनसीपी के, लेकिन हम सबके आसिफ भामला जी मैं कहूँगी, हमारी अलका केरकताई जी, सपना मात्रे जी, हरीश सनस जी, अभी आए हुए आसिफ जकेरिया जी, यहाँ पे बैठे हुए अभी गए श्री विवेक गोयंका जी, काजी साहब, आनंदिनी आंटी शर्ली यहाँ पे बैठे हुए, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी सारे बैठे हुए, मेरे बहुत सारे दोस्त और भाजपा के और सारे पार्टी के बैठे हुए यहाँ पे कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण। मुझे लगता है रिपीटेडली भाषण तो बहुत होता रहता है, मैं इतना ही कहूँगी, पिता अपने रूप से बहुत काम करता रहता है और वह हर वक्त चाहता है कि जो एक लेगेसी, जो विचार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे बच्चे उसको आगे ले बढ़े। और जब इतने बड़े पिता का, क्योंकि मैं ऐसे बड़े पिता की बेटी हूँ, तो मुझ पे प्रेशर और मेरे कंधे पे जिम्मेदारी हर वक्त रहती हूँ कि मैं प्रमोद जी का नाम ना खराब करूँ। अच्छा करूँ ना करूँ वो तो मैं अपने जिम्मेदारी के रूप से काम करती रहती हूँ, लेकिन नाम ना खराब करूँ। लेकिन जब आदमी अच्छा काम करता है, पिता यही चाहता है कि जब मैं बड़ा बनूं तो मेरे जूते में मेरे बच्चे बेटे का पैर बराबर से फिट हो जाए और उसी रूप से वो भी आगे बढ़े। जब इतना बड़ा काम करने वाले पिता होते हैं और उसके बाद उनका बेटा उसी रूप से पिता का काम आगे ले बढ़ता है, तो ये भी अच्छा लगता है कि सबने कहा कि आसिफ भामला जी के पिताजी के चौक का अनावरण हो रहा है। मतलब इतने बड़े पिता को उसका बेटा अच्छा काम कर रहा है, तो बेटे के नाम से भी पिता को सराहना जा रहा है। तो इसलिए आसिफ जी आपको बहुत बहुत बधाई। आखिरकार आशीर्वाद क्या होता है? आई डू वेल, माई चिल्ड्रन हैव टू डू वेल, एंड इफ टुमारो माई चिल्ड्रन, आई एम नोन फॉर माई चिल्ड्रन्स मदर, उससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या हो सकता है? और यही आशीर्वाद, यही दुआ आसिफ भाई आपको मिली है, जिस पिता ने कंप्यूटर से लेके गरीब बच्चों से लेके धर्म से आगे इंसानियत, हर धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है, हर राजनीति में एक ही बात सिखाई जाती है, इंसानियत। उस इंसानियत की व्याख्या, उसी इंसानियत की डेफिनेशन को आगे ले जाके काम किया है।
आसिफ भाई आप एनवायरनमेंट के लिए कितना काम करें, क्या करें, आपने मुझको बचपन से देखा है, मतलब आपकी उम्र मैं बतानी जाना चाहती हूँ, लेकिन आसिफ भाई ने जैसे मैं शहर को इतने बचपन से देख रही हूँ वैसे उन्होंने मुझे देखा। और आसिफ भाई भी मेरे पिताजी के दोस्त थे, युवा थे तभी, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत उम्र बड़ी थी, लेकिन मेरे पिता के दोस्त थे, इसलिए ये पारिवारिक रिश्ता हमारा बहुत आगे बढ़ते रहे। और जब इंसानियत का काम हो, जनता का काम हो, तो ऐसी ही सारी पार्टियां साथ में मिलके हम आगे बढ़े, लोगों का काम करते रहें। और उसकी व्याख्या, उसकी डेफिनेशन जितनी आसिफ भाई ने अच्छी बनाई है, आइए भाई जगताप जी आए हुए हैं, आसिफ भाई ने जो बनाई है मुझे लगता नहीं वो किसी और ने बनाई होगी। और आसिफ भाई जैसे आपके वालिद को हम याद करें और आपके रूप से आपको वालिद को याद करें, मैं चाहती हूँ शहर को भी वो इतना अच्छा काम करे कि उसके वालिद को शहर के पापा आसिफ बामला है, यही करके वो भी आगे काम बढ़ाए और घर की लेगेसी आगे बढ़ाते रहे जो इंसानियत के लिए मिलती है। परसों एक कार्यक्रम में मुझे पूछा गया इंडिया टुडे के कि हाउ डू यू फील एज अ पॉलिटिशियन, आई सेड आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, समटाइम्स आई फील हैप्पी, समटाइम्स आई फील इट्स अ थैंकलेस जॉब, समटाइम्स आई फील आई एम रियली रियली ब्लेस्ड, मुझे एक मौका मिला है कि मैं और लोगों का काम कर सकूँ। कितने लोगों को मौका मिलता है, तो हर चीज़ ज़िंदगी में जो मिलती है वो दुआ के रूप से ही आप जब आगे लेके जाते हो तो वो दुआ और फैलती है, वही काम फैलता है, यू हैव टू पे इट फॉरवर्ड, दैट्स व्हाट द ब्लेसिंग वी हैव। आसिफ भाई बहुत बहुत बधाई, चिंता मत करिए, सब खुश है, किसको बुके आपने कम दिया तो ऐसे नहीं होगा, आपने हमें इतना बड़ा प्यार दिया है, कोई नेता आपसे अपसेट नहीं रहेगा, चिंता ही मत करिए। और कार्यक्रम भी सुपर हिट है, फर्स्ट क्लास है, पूरी जनता आपके साथ है और आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी जिस प्रकार से आसिफ भाई को आपने समर्थन दिया है, ऐसा ही आप उनको समर्थन दें और उनके भामला फाउंडेशन के लिए हम सब साथ में मिलके, 25 साल हुए, 50वीं जयंती शहर के हाथ से बहुत अच्छे रूप से हम गोल्डन जुबली मनाएंगे, इतने अच्छे रूप से हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक नेता जब दिल से बात करता है तो ऐसे शब्द निकलते हैं। थैंक यू पूनम जी, भाई जगताप जी का स्वागत आसिफ भामला जी करेंगे और दो शब्द भाई जगताप जी, दो शब्द। हमारे बीच आदरणीय मंच और जब खासदार साहब बोल चुके हैं उसके बाद मेरा बोलना मुनासिब भी नहीं है, बट आसिफ भाई बहुत अच्छा काम, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं चाहूंगा कि शहर मामला आज इस मीटिंग को जैसे आसिफ मामला ने रखा है इसको, 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 इसको इसका वोट ऑफ थैंक्स शहर मामला जी। आसिफ मामला जी, वाजिद वाजिद खान साहब का स्वागत करें। आसिफ मामला जी, वाजिद जी हमारे बीच मौजूद हैं, लैला खान जी भी मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। हेलो एवरीवन, आई एम शहर भामला एंड आई हैपन टू बी द ग्रैंडडॉटर आफ्टर होम वी आर नेमिंग द स्ट्रीट टुडे। इट इज हिज 90th बर्थडे एंड इट मेक्स माय हार्ट फील सो गुड दैट सो मेनी ऑफ यू आर हियर टू बी विद अस टुडे। Although he is not here with us right now, but I have a feeling that he is watching us and has helped us reach wherever we are today. And it is because of him that my father, actually it was my grandfather who started caring, loving and nurturing for the environment. And from that my father gained some inspiration and that's how he found the Bhamla Foundation. And I feel that it is my blessing because I have been working for the environment or anything that is benefiting the society. It makes me feel as if I'm a better human being. So yeah, and you know, since it's my grandfather's 90th birthday, I would like to share a small thing. It's very personal. So normally, whenever a child wants something, they go to their parents that I want this, I want that. So whenever I go to my father, the latest demand is that I want a car because I do not have that. But then he keeps on repeating that thing that my father never gave me everything what I wanted. Out of 10 things what I wanted, he used to only give me 6 things. And he wanted me to earn the other 4 things. So, you know, it's obvious that he uses that in raising me too. It can get a little irritating sometimes, but then because of that, I have the urge to go and earn my money and maybe fulfill my wishes by myself. So yeah,
it is helpful. And on this note, I would like to thank you all for being here on this gracious occasion. Thank you. Thank you so much, sir. That was so wonderful. And हम सब लोगों को 10 में से 6 ही चीज मिली है, 4 सब अभी तक बाकी है हमारे पंजाब में, 6 भी नहीं मिली पूरी सर. थैंक यू सो मच आप सब लोग आने के लिए. मुस्लिम इदरीसी महासभा के अध्यक्ष जो खास दिल्ली से आए हुए हैं, मालिक भाई, मालिक और रेस पार्टिसिपेंट जनाब काला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Good people, I remember everything. Bad people, I just keep it head. So it comes out when it's required. This remember every time in my house. I'm a coffee addict, no? Yeah. I can't survive. Please give 2 lines. मैं इधर ही हूँ, आप बोल दीजिए. मैं हाँ. आसिफ जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं. ये मेरी दूसरी पीढ़ी है जो आसिफ जी के पीढ़ी परिवार के साथ जुड़ी हुई है. और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बचपन से बढ़ते हुए देखा. और आज एक एमपी के रूप से मैं उनके वालिद की एक अच्छे चौक के रूप से उनको हम याद कर रहे हैं. मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है हमें कि पिता का विचार लेके आगे बढ़ते बढ़ते और अच्छा काम करना. और यही संस्कार हमारे देश में है और यही संस्कार आसिफ जी भामला फाउंडेशन के रूप से और उनके आने वाली पीढ़ियों के रूप से दिखा रहे हैं. आवाज बंद करो ना भाई, आवाज बंद करो ना भाई, आवाज बंद करो ना. अब चलेगा जी. What a wonderful morning and gathering out here. As you saw, people from across the section of society and across the section of political parties are here. And so it's so wonderful to see, and people are really happy to see each other. And Asif Bhai is like, I always describe him like Fevicol. He joins all of us together. So lovely to see that the chalk is being named after his father. And all the best to Bandra, all the best to India, all the best to the country. Thank you, sir. Good. How are you doing? Good? Well. How does it feel today to be a Well, there's a beautiful couplet of the Bombay city, a Bombay Shahar Hadason Ka Shahar Hai. ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहाँ ज़िंदगी हादसों का सफ़र है, यहाँ रोज़ रोज़ हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई खूबसूरत हादसा. दिस मॉर्निंग आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग मॉर्निंग्स फॉर ऑल द मुंबईआइट्स, बिकॉज आई हैव नेवर सीन ऑन वन प्लेटफॉर्म सच क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप ऑल टुगेदर सिंगिंग and praising the efforts that my friend Asif Bhamla is taking forward, the vision, the aspirations, and the great work that his father had conceived, planned, and created the foundation. And he's taking it ahead leaps and miles ahead across the oceans, right in the heart of America. And I think his very essence and mental chemistry of Asif is such that he is a helpful man for any person, void of any caste, creed, background. And that is the spirit that has kept us as great friends. I've always admired his vision of bringing harmony, peace. And even when he speaks on the panel, he speaks with a lot of responsibility, and he's got a lot of profundity and depth. And I'm sure this foundation will grow in spirit, in its content, in its design, because there is so much of people backing him, like all the leading, you know, party politicians here, MLAs here, member of parliaments here, and each one spoke so much in good praise of him. He deserves every bit of all their talk and his praise. And I wish Asif great future with this foundation, and I'll always be with him shoulder to shoulder in any way in my humble contribution. Thank you. Well, it's a pleasure to be here for Asif Ji's father's road naming ceremony. And, you know, he must be feeling so proud and so satisfied, because, you know, when you
remember your parents and pay them these respects, your soul feels very satisfied, and you feel, you know, a connection with your loved ones and your respected ancestors. So I'm very happy to be here, and Asif ji is a very warm and wonderful person, and I wish him and his family the best, and I hope this keeps inspiring people to pay their respects to their elders in life all the time. Thank you. चलो हाँ आइए ना पूनम जी, ये दिल्ली से खास पूनम जी, ये दिल्ली से आए हैं दिल्ली से खाली चलो चलो भाई ग्रेट साइड कौन से जिले में अरे भाई प्रोग्राम है आगे मीटिंग है क्यों नहीं वहाँ से फोन आ नहीं करना दो ना थैंक यू और पहले पब्लिक नहीं ए इमो इमो बेटा पीछे जा जान दे उन लोगों को जान दे सबको जान दे अंदर इनसाइड कहाँ पे पीछे कहाँ पे बाहर ही करा देते पीछे कहीं पे बेटा थोड़ा पीछे हो जा पीछे हो जा ऊपर किधर है सेंटर से लेना पीछे तू छाप नहीं रहा तो साइड हट ना मेरे को तो लेने दे आप भी साथ में रहा करो ना इधर देखना मैडम इधर 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 चलो 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 साइड दे भाई सही भाई हम घूम जाएंगे खुद ही टेंशन मत लो हाँ बड़ा बहुत अच्छा है बहुत खास दिन है मेरे लिए खास तौर पे क्योंकि मैं बहुत छोटा था मेरे ख्याल से मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब से मैं आसिफ भाई के साथ जुड़ा हूँ पूरे भामला परिवार के साथ जुड़ा हूँ और तब से लेके आज तक मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ भामला परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें तो वली मोहम्मद भामला जी जो मेरे पिताजी के भी दोस्त और मेरे लिए मेरे पिताजी से बड़े जो भाई होते हैं वो उनके उनका दर्जा मेरे दिल में था साथ ही साथ उसके बाद आसिफ भाई का और मेरा रिश्ता दुनिया जानती है आज वो मेरे बाप आज उनको मेरे मेरे गॉडफादर अगर मैं कहूँगा तो आसिफ भामला जी हैं और पूरे भामला फाउंडेशन का मैं आज इमोशनल मोमेंट है उन पूरी फैमिली के लिए और हम उनके साथ हैं और आज सही में वली मोहम्मद नाम अमर हो गया बहुत बहुत थैंक यू मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पिता ऊपर से हमें सबको देख रहे हैं और ऊपर से दुआ दे रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं आज बहुत ही अच्छा दिन है थोड़ा सा मेरी आंखें नम हो गई क्योंकि
वालिद को आज उनके आज 90th बर्थ एनिवर्सरी है और बड़ी खुशी की बात है कि उसके लिए तमाम लोग, मतलब हर फील्ड से, हर फेयर से, तमाम क्षेत्र से लोग आए और डीवाई पाटिल साहब थे, आदित्य ठाकरे थे, आशीष शेलार जी, पूनम महाजन जी, सचिन आहिर जी और तमाम नेतागण, मतलब मैंने सिर्फ दावत दी और सारे शरीक हो गए। इससे बड़ी खुशी मुझे आज नहीं है। और ये प्यार में और ये प्यार मेरे वालिद के लिए था लोगों के मन में, जिसके लिए आज ये सारे यहाँ इतनी मात्रा में शरीक हुए। और मुझे, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रस्ताव कि मैंने कभी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन यहाँ से चुने हुए तमाम जो राजनेता हैं, उन्होंने कहा कि आसिफ जी, आपकी संस्था आज यूनाइटेड नेशन के संग काम कर रही है, आपकी संस्था का कैंपेन प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, आपकी संस्था को हिंदुस्तान की सरकार ने इस बार सम्मानित किया। तो इतना सब होने के बाद आपके वालिद के नाम पर ये हम छोटा सा करना चाह रहे हैं, उसमें सारे शरीक हो गए, आशीष शेलार जी, पूनम जी, आसिफ जकारिया जी, तमाम लोग पार्टी से हट के, पार्टी से आगे बढ़ के लोगों ने इस काम के लिए हमारी मदद की। और ये हुआ आज, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब लोग मेरे वालिद के अच्छे काम हैं, उनकी दुआएं हैं जो मुझे लगी है, और उन्हीं की दुआओं से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो काम उन्होंने सोच रखा था, जो रास्ता उन्होंने मुझे बताया, उस पर मैं और डट कर अच्छे से चल सकूं। उन्होंने कहीं अखलियतों के कहीं सारे काम को अंजाम देने का काम किया, उन्होंने मदरसों का इजाद किया, कई सारे कामों को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस खुशी के मौके पर सारे पार्टियाँ एक होकर एक मंच पर हमारे साथ, मेरे वालिद के इस मौके पर मेरे साथ खड़ी है। मैं आप लोग सबका धन्यवाद करता हूं। और आज ये चौक का मेरे पिता वली मोहम्मद भामला जी के नाम पर ये इलाके में, इतनी खूबसूरत इलाके में एक खूबसूरत चौक का निवारण हुआ, इसके लिए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। शुक्रिया।